तो हेलो गाइज, तो वेलकम टू माय न्यू लाइफ चेंजिंग सीरीज। तो आज हम इस सीरीज में बात करने वाले हैं बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। तुमने एक चीज देखी है, हमारी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है ना, वो बिजनेस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो मैं अमेरिका में इतना वर्ल्ड इकोनॉमिक देश क्यों है, उसकी इकोनॉमी इतनी, वो GDP क्यों इतनी वो है, क्यों है भाई? वहाँ पर बिजनेस करते हैं लोग, वहाँ पर कोई चमचागिरी नहीं करते। अरे भाई बॉस, ए कल सुबह तेरे को 6 बजे बोला था, तू 6 बजे जाने का, तू 6 बजे क्यों नहीं गया? वहां बंदे बता क्या, तेरा बाप का नौकर हो क्या? खुद का बिजनेस करना, खुद करूंगा, तू सारा बॉस मालिक है तो क्या हुआ? वहां सारा ऐसे लोगों को वो करते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वहां पर खुद का बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। वहां पर लोग ये नहीं सोचते बर्गर बेचूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, वही ये सोचते कि मैं इस बर्गर को बड़ी कंपनी बना दूंगा, इस बर्गर की कंपनी को एक मैं वो बना दूंगा बहुत बड़ी, तो मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा। वो ये नहीं सोचते हैं बर्गर की छोटी सी रेट लगाऊंगा, वो स्टार्टिंग से जीरो से करते हैं, वो बड़े लेवल पे। वहाँ पैसा वैसा नहीं करते वो, क्या मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे करूँगा? फिर वो वहाँ पैसा नहीं देखते, छोटी सा वो तसला में लेकर बैठेंगे, बेचेंगे तो तसला में लेकर बेचेंगे। उनका माइंड जो सेटअप रहता है ना भाई, अलग ही हो रहता है। वो किसी की गुलामी नहीं करते, वो किसी के अंदर काम नहीं करते, जैसे कि हमारे यहाँ पर है। फिर तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करना ही पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अगर तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो तो तुम सरकारी के क्या हो, तो मैं कहते नहीं कहना चाहता, तुम समझ गए हो तो समझ जा लो, ठीक है ना। ऐसा कोई काम नहीं है, डॉक्टर ये सही है, क्योंकि वो अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लेते हैं MBBS बन के, नहीं उसके अंदर नर्स वर्स लगी रहती है। तो बिजनेस है भाई उसका, वो डॉक्टर का वो बिजनेस है। MBBS लोग इसीलिए करते हैं, नहीं वो खुद का बिजनेस भी करते हैं। बिजनेस में पैसा भाई पैसा, तुम्हें जो ये रेंज रोवर, ये मर्सिडीज वगैरह और ये रोल्स रॉयस वगैरह बिजनेस मैन बार दिखेगी, कोई सरकारी के पास नहीं दिखेगी। और जो डॉक्टर को नौकरी समझते हैं, डॉक्टर नौकरी नहीं, ये खुद का बिजनेस होता है भाई, वो खुद का हॉस्पिटल खोलता है, वो तभी जाके कुछ करता है भाई, ठीक है, बिजनेस है उनका। अब इस बिजनेस का स्टार्टअप करके रहो, पहले तो तुम लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो, और लोगों सच सोचना कैसे इसके बारे में तुम्हें अगली वीडियो में बता दूंगा, ये सोचना तुम बंद कर दो। तुम्हें अगर कोई बिजनेस लग रहा है ना, अच्छा ये मैं बिजनेस कर सकता हूँ, तो उस बिजनेस भाई तुम घुस जाओ, चाहे उसे तुम जीरो लेवल से शुरू करो, मगर उसे कर दो भाई शुरू, ठीक है। ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे मैं इस बिजनेस करूंगा, ये तू सोचेगा कि लोग क्या सोचेंगे तू सोचेगा, तो भाई मत सोच तू, ठीक है ना। अब बिजनेस, अब तुम्हारा कोई बिजनेस तुम्हारा अच्छा लग रहा, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी, तुम बिजनेसमैन बनना, और बिजनेसमैन कैसा भी बिजनेस हो सकता है भाई, हर किसी का बिजनेस है। तुम्हें दुनिया भर के मोटिवेशनल वो मिल जाएंगे, लोग ऐसे जिन्होंने लाखों की कंपनी, करोड़ों की कंपनी को ठुकरा कर आज अपना बिजनेस करा हुआ है। PW करोड़ की कंपनी ठुकरा कर अपना बिजनेस करा, खान सर पटना के रहने वाले अपना बिजनेस करा है भाई, वो बिजनेस ही है, हालांकि शिक्षा दे रहे बट एक तरफ से बिजनेस भाई उनके पास हो, ठीक है ना। और बहुत से भाई, बहुत से वो है एग्जाम्पल जिसने बिजनेस शुरू करा। बिजनेस तुम्हें शुरू करना पड़ेगा, अब चाहे तुम छोटा बिजनेस करो, हर कोई काम छोटा नहीं होता, उससे तुम्हारी थिंकिंग डिसाइड करती है कि काम छोटा है बड़ा। अगर तुम उस काम को छोटा समझोगे तो तुम्हारे लिए छोटा है, अगर तुम उसको बड़ा करना चाहोगे तो तुम बड़ा करोगे, अगर तुम उसे छोटा रखना चाहते हो छोटा रहेगा वो भाई। उसका बड़ा करना तो तुम यहाँ से सोचो कि हाँ मेरे को उसको बड़ा करना, उसको हाई लेवल पर लेकर जाना, तो तुम उसको लेकर जा, उसमें एफर्ट डाल अपने, उसमें मेहनत डाल, उसको चाहे कितना ही समय लगे उसने करना है कर ले भाई, बिजनेस तो करना पड़ेगा। अगर तेरे को रेंज रोवर्स, रोल्स रॉयल्स इन जैसी कारों में सो घूमना ना, तो तेरे को बिजनेस करना पड़ेगा। इस छोटी मोटी नौकरी में तू कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ठीक है ना। बिजनेस अगर तेरे को पैसा बनाना, बिजनेस अगर तेरे को अपने शौक पूरे करना है, बिजनेस अगर तेरे को दुनिया में बड़ा पर्सन बनना, बिजनेस। और बिजनेस हर प्रकार का होता, बिजनेस शब्द ही ऐसा भाई, बिजनेस मैन देखो, आपकी कार ये वो भाई बिजनेस, ठीक है ना। और वैसे बिजनेस भाई करना पड़ेगा तुम्हें, अगर तुमने कुछ बड़ा सपना देखा होता, जो डॉक्टर है ये जो नीट की तरह करते हैं, ये मत समझना ये नीट की पढ़ के क्या कर लेंगे, यही तो सब कुछ करते हैं थोड़ा। डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बनने के बाद 6 मंजिला हॉस्पिटल एक सिटी में अलग खोला, कि गुड़गांव सिटी में अलग, दिल्ली में अलग, मतलब मुंबई में अलग हॉस्पिटल, और उसी को हॉस्पिटल को एक ही पर्सन चला रहा, उसमें अपने अंदर नौकर ठोक रखे हैं कि ये मेरे अंदर काम करेगा 1-2 लाख रुपए पे, और खुद पार्टी अटेंड कर रहा, घूमने के लिए कैलिफोर्निया जा रहा, न्यूयॉर्क जा रहा। उसने भाई पहले मेहनत करी है, उस जब ये उस चीज़ों को मिल गया, ठीक है ना, तब जाके नई चीज़ें मिली हैं। और मैं भी तेरे से यही बात कर रहा हूँ,
मेहनत कर ले, बिजनेस हो जाएगा। अब ये मत कहना पैसा नहीं है सर, पैसा जो अमेरिका में सबसे बड़े लोग बने उनके पास भी पैसा नहीं था पहले, तो उन्होंने कैसा करा? बहुत अच्छा। मैं तो बस एक चीज कहता हूँ भाई, बताओ अगर तुम्हें बिजनेस करना, बिजनेस करना पड़ेगा, करना नहीं करना पड़ेगा, अगर 100 पूरे करने हैं हो तो करना पड़ेगा। मैं तो एक चीज कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे फ्लैट टाइम पे कोई पैसा नहीं है ना, पता क्या करो, शादी मत करो तब तक तुम्हारे वो बिजनेस नहीं खुल जाए, मत करो। नौकरी करते हो ना, उस नौकरी में कुछ परसेंटेज अपने पे खर्च करके, घर वालों पर खर्च करके सेविंग करो, और उस सेविंग को इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट करने के बाद तुम्हें फायदा ही होगा, बड़ी इस कंपनी में इन्वेस्टिंग भी सीखनी पड़ेगी। और ये चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी स्किल लर्न करने में, कि अपने स्किल लर्न, अब तो अगर तुम स्किल लर्न करना तो इस पैसे को तुम कैसे इन्वेस्ट करते हैं ये तुम्हें पता चल जाता। तो उस वीडियो को जाकर देख लो स्किल लर्न करने की, मैं तभी तो तुमसे कह रहा हूँ भाई खुद पर चेंजिंग करने के लिए, तो उनको इन्वेस्ट कर दो, वहां से तुम्हारे पास पैसा जाएगा। और फिर शादी तब करना जब तुम्हारा बिजनेस कर, रोल्स रोल्स में जाना यार, अपनी बीवी को लेने के लिए, अपनी मोहब्बत को लेने के लिए। तो भाई बिजनेस करना पड़ेगा, विदाउट बिजनेस नो इकोनॉमी, नो जीडीपी, नो योर शौक। तुम्हारे शौक नहीं, तुम्हारे रोल्स रॉयस नहीं, तुम्हारे फरारी नहीं, तुम्हारे लैम्बोर्गिनी नहीं, तुम्हारा बंगला नहीं, तुम्हारी मतलब कि वो शौक नहीं, तुम्हारा घूमना नहीं, कुछ नहीं बिजनेस करना। तुम सिर्फ एक नौकरी में अपने जी सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना? ये करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं आज अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।